नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आज विश्लेषण में चर्चा होगी रेव पार्टीज की। रेव पार्टीज आखिर क्यों भारत में चर्चा का विषय बन गया, आप सभी लोग इस बात से कहीं ना कहीं अवगत होंगे। कारण, यूट्यूबर एल्विश यादव के ऊपर FIR। एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगे कि एल्विश यादव दिल्ली NCR में होने वाली रेप पार्टीज के लिए विलुप्त होते प्रजाति वाले सांपों का जहर और विदेशी लड़कियों का प्रबंध करता था इन रेप पार्टीज के लिए। मेनका गांधी, जो BJP की सांसद हैं, उनके एक NGO ने, एक संस्था ने जिससे वह जुड़ी हुई है, एल्विश यादव इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए हैं, वह इस तरह का कृत्य करते हैं, इसका पता लगाया, जिसके बाद नोएडा पुलिस जांच में जुट गई, FIR दर्ज हुआ। एल्विश यादव का नाम भी उस FIR में रहा। एल्विश यादव के साथ अन्य 5 आरोपी भी नामजद हुए FIR में और उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एल्विश यादव ने एक वीडियो रिलीज करते हुए कहा कि मेरा इसमें किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, अगर 1% भी मेरी इसमें जवाबदेही तय होती है, मैं इसमें संलिप्त पाया जाता हूँ पूरे कृत्य में, तो मेरे ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, UP पुलिस के साथ मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। और योगी आदित्यनाथ जो CM है UP के, उनसे भी उन्होंने निवेदन किया कि उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। मशहूर वाक्या, मशहूर केस, जिसके जांच अधिकारी थे वानखड़े और गिरफ्तारी हुई थी अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की, इसी तरह की रेप पार्टीज में संलिप्त और ड्रग्स लेने के आरोप में। 1980 के दशक में जो रेप पार्टीज का सिलसिला शुरू हुआ, भारत के युवा कहीं ना कहीं उसकी जद में लगातार और तेजी से आ रहे हैं। आज विश्लेषण में चर्चा होगी कि भारत में रेप पार्टीज कैसे बन गई नशे का कारोबार, भारत में कैसे शुरू हुआ रेप पार्टीज का प्रचलन, अब कैसे होती है रेप पार्टियां, और अंत में बात करेंगे रेप पार्टी विरोधी पहलों की। कब रेप पार्टी का विरोध होना शुरू हुआ भारत में, उस पर भी जाते जाते एक बातचीत आपके साथ की जाएगी। तो दर्शकों, आपको जैसे मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा रेप पार्टीज शुरू कहाँ से हुई। तो रेप पार्टीज का जो उदय हुआ 1980 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन से, लंदन और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में रेप पार्टीज होना शुरू हुई। धीरे धीरे रेप पार्टीज का प्रचलन वहाँ इतना अधिक बढ़ा ब्रिटानिया जमीन पर कि वह रेप पार्टीज एक स्थानों से हस्तांतरित होकर क्लब्स और होटल तक चली गई। इसके बाद डांस क्लबों से मिलकर ये रेप पार्टियां शहर के बाहरी इलाकों, खुले मैदानों में होने लगी। इसके बाद धीरे धीरे इन रेप पार्टियों का क्रेज सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस जैसे बड़े अमेरिकी शहरों में भी देखा जाने लगा। हालांकि अब रेप पार्टियां सिर्फ म्यूजिक, डांस करना, नृत्य करना और खान पान के अपने शौक को पूरा करने तक सीमित नहीं रह गई। अब रेव पार्टीज इनसे ऊपर हो गई, इनसे आगे बढ़ चली है। अब रेव पार्टीज में नशे का गोरख धंधा होता है, युवा नशा करते हैं, अलग अलग तरह का नशा करते हैं। कई रेव पार्टीज में सेक्स का आयोजन भी किया जाता है। अब रेव पार्टीज का स्तर कहीं ना कहीं असामाजिक और एक सभ्य समाज के लिए खतरनाक होता जा रहा है और युवाओं को भी एक गलत दिशा मिलती जा रही है। रेव पार्टीज नशे का कारोबार कैसे बनी, इस बिंदु पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अब जब रेव पार्टीज का क्रेज बढ़ा, धीरे धीरे युवा इन रेव पार्टीज के साथ जुड़ने लगे, तो ड्रग्स माफियाओं को इसमें एक व्यापार दिखा। ड्रग्स माफिया के लोग, ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोग भी इन रेव पार्टीज में जाने लगे
और युवाओं को आसानी से खतरनाक और जीवन को खत्म करने वाले ड्रग्स उपलब्ध कराने लगे। उसके बाद जो बात हुई कि बदनाम कैसे होने लगा, ये रेप पार्टीज बदनाम कैसे होने लगी, बदनाम कुछ इस रूप में होने लगी रेप पार्टीज की, जो ड्रग्स का कारोबार बढ़ा, नशे का कारोबार बढ़ा, युवाओं ने अतरंगी काम करने इन रेव पार्टीज में खुले आम शुरू कर दिए, जिसके बाद आसपास जहां खुले मैदानों में ये पूरी रेव पार्टीज को आयोजित किया जाता था, उसके आसपास के लोगों और वहां की रिहाइश को परेशानी होने लगी, जिसके वजह से रेव पार्टीज बदनाम होना शुरू हो गई। भारत में कैसे शुरू हुआ रेव पार्टीज का प्रचलन, इस पर भी बात करना बहुत आवश्यक है। दशक था लगभग 1980 का मध्य, भारत का गोवा शहर, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक उस समय भी आते थे, समुद्र का किनारा, डूबता सूरज और ठंडी हवाएं, गोवा रेव पार्टीज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बन गया। शुरुआत में इन रेव पार्टीज में विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते थे, बाद में ये रेव पार्टीज विदेशी पर्यटकों के पार्टीज से अधिक भारतीय युवाओं के लिए शौक का एक साधन बन गया। भारतीय युवा अधिक से अधिक संख्या में इन रेव पार्टीज में जाने लगे। बहुत तेज म्यूजिक, इन पार्टियों में आसानी से उपलब्ध नशा, अधिकतर रईस परिवारों के युवाओं को इस रेव पार्टीज ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में ये रेव पार्टीज होने लगी। क्लब्स में, रिजॉर्ट्स में, बड़े होटल्स में इन रेव पार्टीज का आयोजन धड़ल्ले से बढ़ा। अब ये रेव पार्टीज का हाल या इनका क्रेज, इनका प्रचलन इतना अधिक है कि भोपाल से लेकर पटना तक के छोटे शहर भी इन रेव पार्टीज के आयोजन से अछूते नहीं हैं। भोपाल में एक बार रेव पार्टीज पर जब पुलिस ने दबिश की, नारकोटिक्स विभाग ने दबिश की, तो कई युवा और भोपाल के रईस परिवारों के युवा, 2022 का ये साल, लगभग 50 युवा पकड़े गए। 2016 में पटना जैसे शहर में, जिसे संस्कृति का शहर, सभ्यता का शहर, आंदोलन का शहर कहा जाता है, वहां भी रेव पार्टीज करते हुए लोगों ने 12 लोगों को पकड़ा और वह सभी नशे की हालत में थे, सबके खून सैंपल्स में ड्रग्स होने की बात प्रमाण हुई और उसके प्रमाणिकता भी मिली। अब बात करते हैं कि अब कैसे होती है रेव पार्टियाज और रेव पार्टीज के लिए कौन कौन से ड्रग्स उपलब्ध कराए जाते हैं। अब जो रेव पार्टीज हैं वो बड़े ही गुप्त तरीके से, देखिए जिस रूप में पुलिस ने छापा मारना शुरू किया, सरकार की नज़र में ये रेव पार्टियाज आईं, उसके बाद जो रेव पार्टीज का आयोजन कराने वाले लोग हैं, और इसमें अधिकतर कैरियर अपराधी हैं, लंदन, अमेरिका से होते हुए ये कैरियर अपराधियों ने नया बाज़ार, अपने नशे के बाज़ार को मुकम्मल करने के लिए भारत को पकड़ा, और ये जो कैरियर अपराधी है, ये अब जो रेव पार्टीज हैं इनको गुपचुप तरीके से, गुप्त तरीके से अलग अलग जगहों पर आयोजित करते हैं, जिसके भीतर चुनिंदा लोग शामिल होते हैं। अगर आप सोचे कि आप जाकर, अकेले जाकर या अपने किसी साथी के साथ जाकर इन रेव पार्टीज में भाग ले सके, तो अब वैसा मुमकिन नहीं है। अब रेव पार्टीज में चुनिंदा लोग शामिल होते हैं, और वही लोग शामिल होते हैं जो आयोजकों से इस तरह की रेव पार्टीज आयोजित करने का अनुरोध करते हैं,
तो उन्हीं के साथी और चंद युवा मिलकर इन रेव पार्टीज में शामिल होते हैं। किस तरह के ड्रग्स उपलब्ध हैं यहाँ पर? अभी हाल ही में एल्विश यादव जो यूट्यूबर हैं वो पकड़े गए और वहाँ से खुलासा हुआ कि स्नेक बाइट यह एक तरह का नशा है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय राजाओं को कम मात्रा में सांपों का जहर दिया जाता था, इसलिए कि जब कभी शिकार पर जाते वक्त या यात्राओं के समय अगर राजा को कोई सांप काट लेता है तो उस पर जहर का अधिक असर ना हो। लेकिन आज के समय में जो स्नेक बाइट है वह एक हल्का नशे का कारक बन गया है। और किस तरह का नशा रेव पार्टीज में उपलब्ध होता है वह भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर चरस, अफीम, गांजा ये मुख्यतः रूप से उपलब्ध होते हैं। क्रिस्टल मेथ ये एक अलग तरह का नशे का कह लीजिए दवाई है या नशा है। उसके बाद MDMA युवाओं में बहुत प्रमुखता से शामिल है। उसके बाद LSD, आपने नाम हमेशा सुना होगा LSD का, हीरोइन, कोकीन, और उसके बाद स्पीडबॉल। स्पीडबॉल क्या होता है दर्शकों? स्पीडबॉल ये होता है कि जब एक व्यक्ति को एक तरह का नशा नहीं होता, समझिए इसको कुछ उदाहरण के तौर पर, कि अगर कोई व्यक्ति हीरोइन लेने का आदि है लेकिन अब उसे हीरोइन से नशा नहीं हो रहा है, तो हीरोइन प्लस कोकीन को के साथ एक बॉल में भरा जाता है इसका पूरा कंपोनेंट, और उसके बाद वह व्यक्ति नशा करता है। इसी को बोला जाता है स्पीड बॉल। अब अंत में मैं आपको बताता चलता हूँ कि कैसे रेव पार्टीज का विरोध होना शुरू हुआ। 1980 के दशक में जो रेव पार्टी शुरू हुई, 1990 के दशक आते आते भारतीय परंपरा संस्कृति से जो बिल्कुल उल्टा था उसका विरोध होना भी शुरू हुआ। और जिस तरीके से रेव पार्टीज का प्रचलन ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुआ उसी तरीके से इसका विरोध भी विदेशी धरतियों से ही शुरू हुआ। शिकागो, डेनवर, गैस्मिलेन, हार्टफोर्ड, मिलेवॉकी और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में इन पार्टियों पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए। भारत में भी इन पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया। कारण क्या हुआ कि 1998 में, 2000 के बाद भारत में तेजी आई प्रतिबंध पे, कारण 1998 में एक 17 वर्षीय युवती की ओवर ड्रग्स लेने की वजह से मौत हो गई। और जो रेव पार्टीज विरोधी सबसे बड़ी पहल थी उसमें ऑपरेशन रेव रिव्यू को माना जाता है, जिसने रेव पार्टीज का प्रमुखता से विरोध किया, छापे किए, दबिश की, और रेव पार्टियों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध और उसको सीमित करने में कामयाब भी रहे। तो ये पूरा हमने आपको समझाने की कोशिश की कि रेव पार्टीज का प्रचलन भारत में कहां से शुरू हुआ, विश्व में कहां से शुरू हुआ, और अब एल्विश यादव जो इस पूरे मसले में फंसे हैं, कम से कम 5 साल की, अगर वो सजा दोषी पाए जाते हैं तो कम से कम 5 साल की जेल होना तय है। आपको कैसी लगी हमारी ये खास रिपोर्ट आप हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।